दोस्तों तो स्वागत है आपका पोकेमॉन अनबाउंड में। और यार हम लोग आ चुके थे ड्रेस्को टाउन में, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। कहाँ है यार, ड्रेस्को टाउन के अंदर हम लोग हैं। चलते हैं भले आगे यार, देखते हैं ये कौन बंदा खड़ा है यहाँ पे। देखो देखो, आई कैन सी देहारा सिटी फ्रॉम हेयर। देहारा सिटी इधर कहीं है देख रहा है ये, तो फिर चलो कोई बात नहीं। ट्रेनर हाउस बैटल फॉर योर हार्ट कॉन्टेंट। तो यार यहाँ पर मैं गया था एक बार, इसलिए थोड़ा दिखा नहीं रहा इसमें। तो यहाँ पर पांच ट्रेनर रहते हैं, आपको बता देता हूँ मैं, पांच ट्रेनर रहते हैं। अगर हम लोग चाहें किसी से भी यहाँ पे लड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 है क्या यार, 5 ही होंगे। नहीं यार, देखते हैं इसे बात करते हैं, ऐसा कुछ था शायद, मैंने यहाँ पढ़ा था। वेलकम टू द ड्रेस्को टाउन ट्रेनर हाउस। ट्रेनर हाउस है ये ड्रेस्को टाउन का। फील फ्री टू बैटल आवर 5 ट्रेनर्स एज मेनी टाइम एज यू वांट। इफ़ यू विश टू रीबैटल समवन प्लीज लीव एंड कम बैक इन, एंजॉय योर टाइम। तो हम लोग जब भी चाहें यहाँ बैटल कर सकते हैं इन पांचों ट्रेनर्स से, चाहे जिससे चाहें उससे। तो यार ये अच्छी बात है यार, यहाँ पर लड़ाई हम लोग की खूब मज़ेदार कर सकते हैं, यहाँ पर लड़ाई तरीके से। इधर चलते हैं, ये देखते हैं यार ये तो कौन सा पुतला लग रहा है। पहले से बात करते हैं। ए लड़की रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार। अरे दिस स्टैचू इज द लेजेंडरी फायर्ड फेरी बर्ड फेरी फायरी फायरी कह रही है फायरी बर्ड पोकेमॉन मोल्ट्रेस। अपरेंचली इट लिव्स समवेयर इन सिंडर वॉल्केनो। सिंडर वॉल्केनो में रह रहा है इस समय, करी लाइटनिंग अप द स्काई विद द फ्लेम्स एट नाइट। तो यार ये मोल्ट्रेस की है, जैसे कि इट्स स्टैचू ऑफ लेजेंडरी फायर पोकेमॉन मोल्ट्रेस। इट सेज हियर दैट मोल्ट्रेस वॉज वंस यूज्ड ए हेराल्ड टू ग्रेट डार्कनेस बट नाउ इट्स रिसाइड इज सिंडर वॉल्केनो। पर इसने कोई डार्कनेस को हटाने के लिए यूज किया था कोई मूव, लेकिन अब सिंडर वॉल्केनो में चला गया फिलहाल ये। तो इस लड़के से बात करते हैं जरा यार। ये जगह अच्छी लग रही है, तो वैसे भी इतना बेकार भी गेम नहीं लगता मुझे। ऑल ऑफ द लैंड इन दिस पार्ट इज ब्रोकन इन टू लिटिल चंक्स। तो कह रहे हैं ऑल ऑफ द लैंड इन दिस पार्ट इज ब्रोकन इन टू लिटिल चंक। सब पार्ट अलग अलग चंक मतलब बटे हुए। नाउ द आई थिंक अबाउट इट द होल बोरियस इज स्प्लिट इन टू बिग आईलैंड। अरे होल जो कहते हैं बोरियस आईलैंड है, बोरियस रीजन है, वो अलग अलग आईलैंड में बटा हुआ है कह रही है ये। यहाँ पर सब अलग अलग टुकड़े में है सब आइलैंड। और ये किसका घर है? माय ग्रैंडफादर नोज ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यू शुड टॉक टू हिम। तो इनके दादाजी को अच्छी अच्छी स्टोरीज आते हैं, जरा सुनते हैं हम लोग। देयर आर मेनी लेजेंड्स इन बोरियस अबाउट लेजेंडरी पोकेमॉन। बहुत सारे यहाँ लेजेंड थे बोरियस रीजन में, तो वन ऑफ दिस लेजेंड टेल द लेजेंडरी बर्ड्स पोकेमॉन। तो लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन कहा जाता था उन लोगों को। तो वो कौन कौन थे? जैप्टोस, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस। हाँ जानते हैं हम लोग। इट इज सेट दैट इन एंशियंट टाइम दैट थ्री वेयर यूज इन ऑर्डर टू समॉन डार्क फोर्सेस। डार्क फोर्सेस को उन लोग ऑर्डर मानते थे कह रहा है। तो लेजेंड इज अनक्लियर अबाउट व्हाट द डार्क फोर्सेस वाज। जो लेजेंड थे उनको पता नहीं था कि डार्क फोर्सेस क्या है कैसा है, बट उन्हें लगता था कि डार्क राई जैसे कुछ लगता था उन लोगों को, उसको लगता था कह रहा है, क्योंकि उस समय डार्क पोकेमॉन थे। बिसाइड आर्सियस ऑफ कोर्स कुड हैव बीन अराउंड बैक देन। आर्सियस बैक देन मतलब आगे की स्टोरी बताई नहीं उन्होंने। चलो यार आगे चलते हैं, बाद में सुन लेंगे, पूरी स्टोरी नहीं बताते ये सब। और यार ये क्या है? अरे सॉरी यार, कंट्रोल भी ना। ड्रेस्को टाउन द, अरे यार क्या लिखा है, आर्चिपेलागो ऑफ द बोरियस रीजन। ये क्या कुर्सी? अरे यार फिर खड़े हो सकते हैं हम लोग, बैठ नहीं सकते। चलो इधर देखते हैं। हैव यू विजिटेड द ड्रेस्को टाउन ट्रेनर हाउस येट? हाँ देख लिया हमने। इट्स द ब्लैक एंड ब्लू बिल्डिंग एट द साउथ एंड ऑफ टाउन। देख लिया यार ड्रेस्को टाउन का ट्रेनर का हाउस मैंने। पोकेमार्ट में कुछ ले लेते हैं हम लोग यार। हाँ यार पोर्शन चाहिए, पोकेबॉल लूँ क्या? हाँ यार ले लेता हूँ। हाँ तुम लोग को दिखाना यार, पहले ले लेते हैं पोकेबॉल फिर दिखाता हूँ तुमको। तो 1000 का 5 मिल ले लेता हूँ। पोर्शन ले लेते हैं कुछ, हमको कम पड़े आ गए यार। 1200 कहाँ ले लेते हैं 4 पोर्शन। हाँ दिखा देता हूँ लोगों को, कुछ खास चीज़ें दिखानी है। जैसे आपके सामने मैंने 2 पकवान पकड़ा था उस दिन, तो मैंने एक पकवान यहाँ पे पकड़ा था खुद से। मैं गया था यहाँ पे पूरा ट्रेनर से लड़ना, तो मुझे पकड़ा दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कहाँ गया, रियोलू समरी देखिए, रियोलू पोकेमॉन। अच्छा पकवान मुझे लगा यार, मैंने पकड़ लिया इसको, अच्छे खासे इसके पास मूव भी थे। ओह सॉरी, तो यार अच्छा पकवान थे, मैंने पकड़ लिया यार। तो बता देता हूँ पोकेमॉन सेंटर में फिलहाल तो मैंने पोकेमॉन हील है सब। चलते हम लोग जल्दी आगे। अरे सॉरी यार, जिम है यार इधर, तो चलते हैं अंदर लड़ने यार। कैसी जिम है यार?
Dresco Pokemon Gym Leader Draco, Draco है Gym Leader. Winning Trainer Black, Black यहाँ पे आके लड़ चुका यार, wow. ओह इन लोग से लड़ना पड़ेगा. I won't let you pass Draco is our true battle and our alone. चलो यार तुम लोग को अकेले हरा दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं. ग्रूमी, ओहो न्यू पोकेमॉन ग्रूनी है कि ग्रूमी है यार, पता नहीं यार. लोग तो ड्रैगन हेड देते हैं इसको, हम लोग खत्म करते हैं कहानी इसकी. हाँ बुलाते दूसरे पकवान को यार, अपने अपने बुलाते हैं अपने. हम लोग रायलो को बुलाएं क्या, नहीं यार इस फील को बुलाते हैं. और कौन है, आजा. अरे यार पावर सुना देते हैं, गस्ट यूज कर रहा है. पावर सुनाओ. इस फील भी अच्छा पकवान है यार, मैं सोच रहा हूँ एजुरल भी है. ओ एजुरल, हाँ तो एजुरल को मैं कहता हूँ यार ट्रांसफ़र कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब बैग में रख देता हूँ अपने, मतलब पीसी में, बैग से मतलब मेरा पीसी में रख देता हूँ उसको मैं. दो दो यार वाटर वाले पोकेमॉन मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा. अब फायर फैंक देते हैं यार, हर बार कौन यूज करे, हर बार क्यों ड्रैगन देते हैं आगे काम आएगा. फायर फैंक असर ज़्यादा नहीं हो रहा यार फायर फैंक का. फिर से देते हैं हम लोग फायर फैंक. बबल्स, ओ हो मुझ पर असर होगा इसका. टैकल देते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं इसकी. तो ये गया, फेंट हो गया यार. अगला कौन है, ट्रटीनी. ओहो वाह यार, बहुत सही चीज़ दिखाई तुम लोगों ने यार, ट्रटीनी पोकेमॉन. लेकिन टिक नहीं पाएगा अपने सामने वो भी. चलो अब मेन आदमी. अरे ये तो लेंस लग रहा है यार, यही चीज़ तो हम लोग मिले थे यार. ये लेंस नहीं मतलब ये ड्रैको है यार, हम लोग गलत नाम ले लिया था, ड्रैको है ये. वेलकम, स्वागत है तुम्हारा चैलेंजर. आह मुझे याद है तुम मुझे याद, मुझे तुम्हारी, मुझे तुम याद हो कह रहा है. हाँ मैंने तुम वही बच्चों ने जिसे मैंने देखा था रूट टू में. आई कैन टेल बाई द डिटरमाइंड लुक ऑन योर फेस दैट यू आर रेडी टू फाइट. तुम्हें मुझे दिख रहा तुम्हारे फेस पर तुम तैयार हो लड़ने के लिए, तो हो जाए. ड्रैको क्या है, नोबी बैट. हमको नोबिता दिख रहा था यार. चलो ड्रैगन रेस देते हैं इसको, करते हैं खत्म कहानी इसकी एक ही बार. अरे यार नोप. टैकल. सुपर पोर्शन नॉट सही गुड. अपने पास भी सुपर पोर्शन तो नहीं लेकिन पोर्शन तो है. सुपर पोर्शन लेके आना चाहिए था यार. सुपर पोर्शन, पोर्शन तुमने लिया था, कहाँ गए. ये है पोर्शन, 7 हो गया अपने पास यार. फिर से नहीं यार. पोकेमॉन को बदलता हूँ पहले मैं. बुलाते हैं यहाँ पर अपने इस फील को बुलाते हैं. इस पर भी यही यूज कर रहा है. अरे नहीं यार फेंट कर दिया. पावर सुनो, हाँ इसको फ्रीज कर दे. बहुत सही हरा दिया इसने तो यार. अगला कौन है इसको आना है, आ जाए. पर अपने पोकेमॉन को हम लोग देंगे पोर्शन यार, फिर कुछ करेंगे. कहाँ गया गीबल. ड्रैगन टेल चलो बच गया यार. देते हैं फिर से अपने पोकेमॉन को यानी कि गीबल को. अब लड़ने काफ़ी रहे ड्रैगन टेल, कोई बात नहीं है इस फील. अब गीबल सबको दिखा देगा अपनी ताकत ड्रैगन रेस से. ड्रैगन रेस से तूने हलवे में लिया था ना ये ले. ड्रैगन टेल मुझे भी दे रहा है तो यार. चलो यार अच्छा अपने पास. अरे यार टेल वेप, इसीलिए मुझे गुस्सा लगती है कुछ कुछ पोकेमॉन के ऊपर. मतलब पहला मूवी टेल वेप है. फेंट कर इसको जल्दी से. कुछ नहीं असर हो रहा यार. अगर आप बुलाना पड़ेगा आपकी रायलो को. रियोलू यार मैं नाम भूल जाता हूँ. रियोलू रॉक स्मैश मुझ पर भी असर कर रहा है. फोर्स पाल्म, ओ ये गया फेंट. ड्रटीनी, यस गीबल को बुलाते हैं. रायलू को रहने देते हैं पहले यार, रेड पोर्शन देना पड़ेगा. रायलू पहले से है तो पहले देते हैं पोर्शन यार. पोर्शन ही सब खत्म हो रहे हैं अपने तो. चलो कोई बात नहीं, ड्रैगन टेल दे रहा है वो. अरे यार ड्रैगन रेज, ये ले ड्रैगन टेल के खिलाफ ड्रैगन रेज. एक और ड्रैगन रेज सबसे खतरनाक. और ये गया फेंट. चलो यार हरा दिया अपने गीबल ने बहुत, लेकिन रियोलू ने भी मदद किया था. चलो यार गया फेंट हो गया. एज प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री अगेंस्ट द ड्रेस्को टाउन जिम लीडर टेक द ड्रैगन हार्ट बैज. यार इसके नाम पहली बार सुना मैंने ड्रैगन हार्ट. चलो ड्रैगन हार्ट बैज मिल गया हमें ड्रैको से, अच्छी बात है यार. चलो ड्रैगन टेल भी मिल गया हम लोग को, बहुत सही यार. ये तो अच्छा मूवी मिला है. चलते हैं आगे, चले आराम से आएंगे शान से ऐसे. ये
ये कौन लड़का है भाग गया यार? पहले पोकेमोन को हील करना जरूरी है। पोकेमोन इधर हील हो जाएंगे। चलो यहाँ को हील हो गए, अब चलते हैं इधर। ये कौन लड़की है? आई इंजॉय डूइंग नाइस थिंग्स फॉर ट्रेवलर्स, इट्स है हैबी ऑफ माइंड। यार इन सब घर में चलते हैं। इस घर में कौन है? बैक इन द डे माई हस्बैंड ट्रेवल्ड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ रेयर पोकेमोन, इफ यू द पोकेमोन ही इज लुकिंग फॉर वुड यू प्लीज ट्रेड विथ हिम। कह रहे कहीं घूम रहे थे अंकल जी, इनको कोई पोकेमोन दिखाए जो इनको चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो करें तो इनसे ट्रेड कर लो। हेलो देयर, डू यू हैपन टू हैव एन अलोनन स्टैंड शू अलोलन? अभी तक तो नहीं मिला यार मुझे। आई हैव नेवर बीन एबल टू गेट माई हैंड्स ऑन नो वन, तो अपने हाथ से नहीं पकड़ पाए कह रहे हैं ये। इफ़ यू डू वुड यू एग्री टू बी ट्रेड टू माई अलोलन डिक्लेट? नहीं यार अभी है ही नहीं, तो कैसे मैं ट्रेड करूँ इनसे? इधर कौन रहता है यार, देखते हैं इस घर में। ये कौन अंकल जी हैं? हेलो डियर यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ अंकल जी कह रहे हैं। एज सो लॉग सेंट यू, तो लॉग ने तुम्हें भेजा है आई होप। अच्छा ये वही प्रोफेसर लग रहे हैं मुझे यार जिनके पास लॉग ने हमें भेजा है। आई होप आई कैन शेड ए लिटिल लाइट ऑन व्हाट इज बोथरिंग हिम, इट इज सेट दैट लॉन्ग एगो द बोरिस रीजन वॉज अटैक्ड बाई द कार्लोस रीजन। तो बोरिस रीजन कार्लोस रीजन में अटैक हो गया था कह रहे हैं ये, अटैक हो गया था बहुत खतरनाक। इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दिस फोर्सेज द किंग एट द टाइम समोन्ड ए डार्क फोर्स टू एलिमिनेट द एनिमीज। डार्क फोर्स था जिसने एनिमी को एलिमिनेट कर दिया था। दिस फोर्स वॉज एबल टू ट्रांसपोर्ट द इंटायर कार्लोस आर्मी बैक टू देयर ओन रीजन। तो ऐसा खतरनाक था कि पूरे आर्मी को ये ट्रांसफ़र कर सकता था एक जगह से दूसरी जगह पर। यार कार्लोस में कर दिया था उसने, जितनी आर्मी था उनको एक ही बार में। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी द बोरियस आर्मी वेंट थ्रू दिस पोर्शन एज वेल एंड अटैक्ड कार्लोस। तो कार्लोस पर अटैक कैसे बोरियस रीजन वालों ने? फिर द वॉर रेज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बट केम टू ए सैड एंड। बहुत देर तक, बहुत कई समय तक युद्ध चला लेकिन बहुत बुरा एंड हुआ कह रहे हैं। द किंग ऑफ कार्लोस हैड ए पोकेमॉन विच वॉज किल्ड इन हिज बैटल। क्या लिखा? द किंग ऑफ कार्लोस हैड ए पोकेमॉन विच वॉज किल्ड इन दिस बैटल, उसने बैटल किल्ड कर दिया। अनएबल टू लिव विदाउट इट ही बिल्ड ए डिवाइस टू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ बट द कुड नॉट फॉरगिव द वर्ल्ड विच हैड हर्ट हिज पोकेमॉन सो ही टर्न द डिवाइस इन टू ए जायंट वेपन विच वॉज यूज टू डिस्ट्रॉय बोथ एनिमीज। ए माइंस है लिखा था। वाट लिटिल रिमाइंड ऑफ द बोरियस रीजन रिटर्न होम एंड द वार वॉज ओवर। तो यार बहुत बुरा हुआ यार ये तो। हाउ एवर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी का एंड नहीं है कह रहे हैं। आफ्टर द वार, वार के बाद द डार्क फोर्सेज समॉन्ड टू हेल्प द बोरियस रीजन वॉन्टेड कंपेंसेशन फॉर हिज इट्स हेल्प। तो अपने हेल्प के लिए उन लोग कुछ मांगने लगे बोरियस रीजन वालों से कह रहे हैं। वेन द किंग हैड नथिंग टू ऑफर इट, इट रेज ग्रीव एंड बिगेन टू डिस्ट्रॉय काउंटलेस सिटीज एंड टाउन्स, इट इवन बिगेन टू ट्रांसपोर्ट लेजेंडरी पोकेमॉन टू बैटल देम। तो जब बोरियस रीजन के राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो उसने लेजेंडरी पोकेमॉन को ट्रांसफर करके बुला लिया बैटल के लिए। एज ए शो टू इट्स माइट इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस द किंग यूज द लेजेंडरी पोकेमॉन। तो स्टॉप करने के लिए किंग जो है यूज, किंग ने भी यूज किया लेजेंडरी पोकेमॉन जैप्टोस आर्टिकुन और मोल्ट्रेस का एंड एन ऑब्जेक्ट गिवेन टू हिम बाई आरसीएस द क्रिएटर ऑफ आल पोकेमॉन, जो आरसीएस है आल पोकेमॉन क्रिएटर, टू सील अवे इट्स पावर। बट इट इज सेड दैट इफ आल फोर आर बाक क्या लिखा ब्रा बाउट बैक टूगेदर एट ए सर्टेन प्लेस द पावर कैन बी रिलीज्ड वंस अगेन द मस्ट बी वाट दोज थक्स आर आफ्टर दे मस्ट वांट टू इनगल्फ द बोरियस रीजन इन शेडोज वंस अगेन। तो बहुत मुश्किल किसी तरीके से शांत किया था आरसीएस की वजह से, किसी तरीके से शांत हो गए थे डार्क सोल्जर्स, लेकिन वो क्या कहते हैं डार्क फोर्सेस, लेकिन द शेडोज अब अपनी तबाही मचाने के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं। आई एम राइट देन देयर नेक्स्ट टारगेट विल बी, तो नेक्स्ट टारगेट है वही अब की हम लोगों का, द शेडोज हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं हमें। तो ग्रैंपा आर्थुर यही है यार, ग्रैंपा कह रहा है यार, लग रहा है इसके दादी जी हैं। आर्थुर कह रहा है व्हाट्स रॉन्ग जैक्स, इसका नाम जैक्स है। जैक्स आई जस्ट सॉ दोज गाइज इन ब्लैक
हीडिंग ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ सिंडर वॉल्केनो। ओह ब्लैक मतलब वही सब टीम रॉकेट वाले मेरे ख्याल से हैं। आर्थर कह रहा है दिस इज नॉट गुड, आई वॉज जस्ट टेलिंग सोमी हेयर अबाउट वाज वाट दे माइट बी आफ्टर बट दिस कन्फर्म यू सस्पिशियंस। मैंने अभी कह रहा है मैं बात ही कर रहा था अभी सोमी से इस बारे में और तुमने इस पर मतलब कि पूरा सही बता दिया, ठप्पा लगा दिया इस पे आकर के। दीज आर डेफिनेटली आफ्टर द लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन मोल्ट्रेस। कह रहे हैं जरूर उन लोग मोल्ट्रेस पोकेमॉन के पीछे हैं, आर्टिगोन को तो पकड़ ही चुका है मार्लोन, अब मोल्ट्रेस के पीछे है वो। शुड आई ट्राई टू गो एंड स्टॉप देम? नो यार जैक्स, आई नीड यू टू फर्स्ट फ्लाई टू फॉर्जन हाई हेस्ट एंड ब्रिंग प्रोफेसर लॉक हेयर। तो कह रहा है कि जाओ पहले फ्लाई का यूज करो अपने पोकेमॉन के साथ, प्रोफेसर लॉक को यहाँ पे लेके आओ। राइट अवे ग्रैंडपा, आता हूँ तुरंत आगे लेके आ रही तो। लॉक कह रहा है सो इट इज एज बैड एज आई फियर्ड, व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन अबाउट दिस आर्थर? तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में आर्थर? तो आर्थर कह रहा आई थिंक माई ग्रैंड सन जैक्स, मैं सोच रहा हूँ मेरे ग्रैंड सन इज केपेबल टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो ये सॉल्व कर सकता है जैक्स जो इस प्रॉब्लम को। आई वॉज प्लानिंग ऑन सेंडिंग हिम टू खैर क्या कन्फ्रंट दिस शैडोस एंड स्टॉप देम बिफोर दे रीच मोल्ट्रेस। ऑफ कोर्स मोल्ट्रेस से बचाना पड़ेगा इसको, जैक्स को कह रहा है। आई एम श्योर द पुलिस आर ऑलरेडी ऑन देयर वे बट हिज सपोर्ट कुड बी इनवैल्यूएबल टू देम। तो कोई वैल्यूएबल नहीं है पुलिस सपोर्ट कर रही है हम लोगों का, पुलिस कहाँ यार पता नहीं। अंडरस्टूड ग्रैंडपा, आई एम हेडिंग आउट, आई विल स्टॉप देम एंड सेव मोल्ट्रेस। तो गया मोल्ट्रेस को कह रहा है सेव करूँगा मैं, बचाऊँगा। लॉकर वेल सोमी, आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू टू हेड होम, यू आर कम्प्लीटेड योर टास्क एंड आई एम श्योर योर मदर मिस यू। तो आर्थर कह रहा है नाउ वेट, तो मतलब लॉक कह रहे थे अपने मॉम के पास जाओ, तुम्हारी वेट कर रही होंगी, अब तुम्हारा काम हो गया। नाउ वेट, आर्थर कह रहा है जस्ट ए मिनट लॉक, एक मिनट रुको लॉक। आई एम श्योर सोमी कुड गेन सम वैल्यूएबल एक्सपीरियंस वॉचिंग जैक्स टेक ऑन द शैडो। जैक्स के साथ रह के मेरे कह रहा है कि तुम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस सीख जाओगे, आई थिंक यू शुड लेट हिम गो। तो लॉक भी कह रहे हैं हाँ जा सकते हो तुम, मे बी यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो शायद। ऑल राइट सोमी, आई थिंक यू शुड गो टू, आई विल लेट योर मदर नो वॉट यू आर डूइंग, आई एम श्योर शी विल बी फाइन विथ इन। कह रहे हैं तुम्हारी मम्मी बता दूंगा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आराम से जा सकते हो अपनी जर्नी पर, यानी जैक्स के साथ। तो इधर ही कहीं जाना होगा मेरे ख्याल से, सर यही रास्ता दिख रहा है मुझे, आगे वाला शायद बंद है, मेरे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये बंद है यार, इधर ही से रास्ता हम लोग को जाना है, चलते हैं इधर। यू देयर, तुम ट्रेनर रुक जाओ, ये कहा इज दैट ए सुपर क्यूब इन योर पॉकेट, क्या सुपर क्यूब है तुम्हारे पॉकेट में? इज दिस यू आर जस्ट ए पर्सन आई विल बी लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कह रहा है प्लीज मेरे साथ आओ। थैंक यू फॉर कमिंग विथ मी, मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या है यार, इट्स नॉट लाइक यू रियली हैड ए चॉइस, सच नॉनसेंस, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं समझ नहीं पा रही कि आप बारे में बात कर रहे हैं आप। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, रिसेंटली पीसेस ऑफ ए पोकेमॉन नोन एज जाइगार्ड, तो पोकेमॉन के कुछ पीसेस मिले थे जाइगार्ड के, हैव बीन अपीयरिंग ऑल आवर बोरियस एरिया में, कहीं अपीयर हुआ है कह रहा है वो, यहाँ आया है यहाँ पर कहीं। However, these pieces can only be seen if you have a super cube. तो उसकी पीसेस तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारे पास सुपर क्यूब होगा। मेरे पास अभी केवल क्यूब है विथ स्पेशल फीचर इंस्टॉल्ड, और उसमें एक स्पेशल फीचर भी इंस्टॉल होना चाहिए। जाइगार्ड इज ए पोकेमॉन फ्रॉम कालोस रीजन का पोकेमॉन है जाइगार्ड, हाँ सुना होगा आप लोगों ने जाइगार्ड के बारे में। दैट अपीयर्स वेन द इको सिस्टम इज इन डेंजर, वो जब जहाँ पे इको सिस्टम डेंजर हो तो वहीं कर अपीयर होता हूँ इधर। वाई इट्स अपीयरिंग हियर एंड नाउ इज ए मिस्ट्री टू अस, वो यहाँ पे क्यों अपूर अपीयर हुआ ये हमारे लिए अभी भी मिस्ट्री बनी हुई कह रहा है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर टू दिस, हमें इसका आंसर चाहिए, बट वी नीड समवन टू गो एंड कलेक्ट ऑल ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स एंड कोर्स ऑफ जाइगार्ड, लेकिन हमें किसी इंडिविजुअल किसी एक की मदद चाहिए जो कि सेल्स और कोर्स को कलेक्ट करे जाइगार्ड के। डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू हेल्प अस विथ आवर रिसर्च, क्या तुम हेल्प कर सकते हो हमारे रिसर्च में आके? वी नीड एन एक्सपीरियंसड ट्रेनर हु प्लान्स द ट्रैवलिंग अराउंड बोरियस, हाँ मैं कर सकता हूँ मदद, यस ग्रेट थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू हेल्प, इफ यू कुड प्लीज गिव मी योर क्यूब फॉर अ सेकेंड, दे दिया हम लोगों ने ओके। योर क्यूब हैज बीन अपडेटेड टू अलाउ यू टू सी एंड कलेक्ट जाइगार्ड सेल्स,
जाइगल का सेल हमें कलेक्ट करना है। द सेल कैन बी फाउंड सेक्रेड अराउंड बोथ वेस्ट एंड ईस्ट बोरियस। वंस यू हैव कलेक्टेड एट लीस्ट 10% प्लीज, क्या लिखा था यार, प्लीज टेल मी सर लिखा था, बट फॉर नाउ गुड लक, बाय फॉर नाउ लिखा था, बाय बाय फॉर नाउ गुड लक, तो अभी के लिए बाय कह रहा था वो। लेकिन तो चलते हम लोग यार रूट 4, ये कौन सी जगह है, ग्रीम वुड्स सिंडर वॉल्केनो रूट 5। तो ग्रीम वुड्स सिंडर वॉल्केनो यहीं पे है शायद यार, तो हमें इधर ही जाना है रूट 5 से। ड्रेस्को टाउन से इधर पता है हम लोग, पहले इसको ले लेते हैं आइटम। तो यार हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी होगी। चलो यार फुल हील कुछ तो मिला, पोकेमॉन एक बार चेक कर लेते हैं, सारे हील है ना। हाँ नहीं तो आपने दिक्कत हो जाए, नहीं सब तो हील अपने पोकेमॉन। तो चलते हैं यार आगे, तो यार कल जाएंगे हम लोग, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कल जाऊँ मैं, तो यार कल जाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट मुझे नीचे बताएं कि क्या आपको लगा इस पोकेमॉन अनबाउंड के बारे में और आज की स्टोरी कैसी लगी। वो ख़तरनाक स्टोरी बताई हम लोगों को कई बार वो प्रोफेसर जो आर्थर थे उन्होंने। एंड फाइनली फाइनली आप लोगों का थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार चेक करते हैं इधर यार, रुको इधर कुछ शायद होगा लेमोनेड। तो यार फाइनली आप लोगों का थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे स्वामी की तरफ से।